सो ये है पार्ट जो एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा और दोनों भी जॉइंट्स इसके अंदर चले जाएंगे। सो आपको दिखा दूँ, सो ये देख लीजिए, ये ऐसे यहाँ पे लग गया है। यहाँ पे भी जो स्क्रू था वो हम लोगों ने कुछ वेल्ड नहीं किया, जो स्टॉक वाला स्क्रू था यहाँ पे इस गार्ड को सपोर्ट देने के लिए, उसी को रिमूव करके हमने, वहाँ पे स्क्रूज है देख लीजिए, सो उसी स्क्रू को हम लोगों ने रिमूव करके इस जगह पे नया लंबा वाला एलन किट यूज़ किया है। अभी आपको लेफ्ट साइड दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। तो जैसे कि मुझको एक पास एक्सपीरियंस है, विनोम में कोई भी स्क्रू लगाते वक्त उस बाइक में कहाँ पे होल्स वगैरह बनाने का ऐसा काम नहीं होता है। जो भी स्टॉक वाले स्क्रूज रहते हैं, अगर आपने मेरा लगेज प्लेट का इंस्टॉलेशन वाला वीडियो देखा रहेगा तो उस वक्त भी जुबैर सर ने जो स्टॉक के जो स्क्रूज थे उसी स्क्रूज के एंगल में वो प्लेट का मैनेज किया था, सोच लीजिए, अदर देन नथिंग एक्स्ट्रा वेल्डिंग एंड ऑल। सो सेम चीज़ यहीं पे किया है, ना इधर हम लोगों ने नए कुछ होल बनाए, यहाँ पे कुछ नहीं, सेम जो स्टॉक वाले होल है उसे यहाँ पे लंबा वाला एलन का स्क्रू डाल दिया है। स्टॉक को जुबैर सर वाला क्रैश गार्ड कैसे जॉइंट होता है वो देख लीजिए। ये जो पार्ट है वो जुबैर सर ने खुद डिज़ाइन किया है और खुद बनाया हुआ है, मतलब ये शेप ले लेगा और ये कभी रस्ट होने वाला है नहीं, ये स्टेनलेस स्टील है, इसलिए सिल्वर ही रखा हूँ। ये एल्युमिनियम है तो इसको ब्लैक लुक के लिए फिर एक छोटा सा, कभी कभी वेनम का वो स्टेनलेस स्टील का सिग्नेचर होना चाहिए, होना चाहिए ऑब्वियसली। फ्रेंड्स, अपना ये राइट साइड का क्रैश गार्ड लगा दिया है हमने, ये जो जॉइंट्स मैंने दिखा देते आपको। सो ये जो क्रैश गार्ड है और जो बाइक है जो अंदर का फेयरिंग है उसके अंदर इतना डिस्टेंस है, सो इवन कुछ मैकेनिक को काम करना है, फेयरिंग निकालना पड़ा है, इजीली हाथ डाल के आप देख सकते हो मेरा हाथ इजीली इतना जा रहा है, वो इजीली रिमूव कर सकता है, क्रैश गार्ड पूरा रिमूव करने की ज़रूरत नहीं। और ये जो आप शेप देख लीजिए, ये यहाँ से एक पार्ट यहाँ पे आया, जब यहाँ पे बाइक का डिज़ाइन भी चेंज हो रहा है उस हिसाब से यहाँ पे कर्व दिख रहा है आपको, इतने छोटा छोटा चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है टू मैच द क्रैश गार्ड परफेक्टली विद द बाइक। ये साइड प्रोफाइल देख लीजिए नीचे की तरफ से। नाउ वी विल स्टार्ट the installation on left hand side. So ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे हम लोगों ने स्टील प्लेट डाली है, सो एज पर जुबैर सर दिस इज द स्टील, सो बारिश में इसको रस पकड़ने का कुछ चांस ही नहीं है। और उसका शेप देख लीजिए, जैसे आप टाइट करते हो बिफोर टाइटिंग इसके अंदर दोनों में बहुत गैप रहता है, बट जैसे जैसे वो टाइट होते जाता है हाफ काम नीचे से स्क्रू कर देता है और बाकी का काम ऊपर का बोल्ट कर देता है। सो दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, और फ्रंट लुक में ये ऐसे दिखता है, ज्यादा भी बल्कि नहीं, इट बिकम द केज। यस सर, इट एक्चुअली बिकम द केज बिकॉज़ जो इंपैक्ट ले लेगा वो डायरेक्टली यहाँ पे इंपैक्ट आ जाएगा, सो आपकी फेयरिंग आपका इंच स्टडी है, ये देख लीजिए आप, पूरी बाइक हिल रही है मगर क्रैश गार्ड जरा सा भी नहीं हिल रहा है, सो दैट स्टडी एंड दैट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस क्रैश गार्ड। और ऐसे भी कि चलो वारंटी इश्यूज का नाटक है कि KTM बोलता है आप लोगों ने स्टॉक का निकाल दिया, यहाँ के बोल्ट की वाट लगा दिए, हम लोगों ने कोई भी बोल्ट चेसिस के ऊपर रिमूव नहीं किया या एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, सिर्फ एक्स्ट्रा एड ऑन ऐड किया है ऑन द स्टॉक क्रैश गार्ड। सो वारंटी का भी कुछ इशू नहीं है यहाँ पे। जो फ्रंट साइड का हम लोगों ने प्रोफाइल डाला था ये देख लीजिए, डिफरेंट मोटरसाइकिल, गाड़ी तो वही है पर तुम्हारा जो एक्स्ट्रा लगा ना, यू विल फील इट्स बिग बाय विजुअल वाइज, और यूज करने के बाद भी जो फील होगा वो बिल्कुल अलग है, ऑब्वियसली यू विल फील अ वेरी डिफरेंट मोटरसाइकिल कि अभी मैं कोई बड़ा गाड़ी चला रहा हूँ। सो लगेज प्लेट है वो करेंटली जुबैर सर को मिल नहीं रही है, फॉर दैट वी विल कम आफ्टरवर्ड्स, इस वीडियो का पार्ट 2 बनेगा वो। वी स्टिल हैव टॉयज टू प्ले विद, ही वांट्स अ मोबाइल माउंट व्हिच इज देयर व्हिच वी विल पुट नाउ, this is a mobile mount, then this is a footrest extender, so okay. jo rubber ka jo part hai wo nikal jayega and it will give it a very aggressive strong look. fir ye side stand extender, ye itna sahi hai jo abhi hum log use kar rahe hain, ye iske side mein rakh ke aapko comparison dikha deta hu, ye dekh lijiye wo kitna sa hai aur ye bahut kitni badi cheez hai, so even in case off road to chhod dijiye, while touring also aapke pairon ko properly comfort feel kar dega kyunki wo itna sa area hai, उसके ऊपर से कभी कभी पैर आपका टेढ़ा हो जाता है बिकॉज राइडिंग अ बाइक फॉर लॉन्गर पीरियड,
सो ये बाहर की तरफ भी आप देख लीजिए, इसके इतना ही बाहर पे आ रहा है, इतना बड़ा है वो फॉर योर कम्फर्ट। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम मोबाइल होल्डर इंस्टॉलेशन के लिए। सो आज के दिन का हमारा काम हो गया फिनिश। लास्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये हम लोग ने सैडल स्टे लगा दिया था यहाँ पे। इसके ऊपर पैनियन अगर आपको इनकेस लगाने हैं तो इसके ऊपर अलग मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आप जुबेर सर के पास लेके आ सकते हो, वो करके देंगे आपको। और ये आगे का क्रैश गार्ड। सो ये ब्रेक का जो फुट पिक्स है उन्हें चेंज करने ट्राई किया, मगर यहाँ पे देख रहे हैं आप जो स्टॉक वाले स्क्रूज है वो थ्रेड उसकी चली गई है। सो उसको भी सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा और उन्हीं से चेंज करवा के फिर नए स्क्रूज लगा के लूंगा। एंड एट लास्ट अवर हीरो जुबेर सर, एनी कमेंट्स? अगर किसको किसको आके करना है तो आपको कैसे कांटेक्ट करें? सेम चीज, कांटेक्ट अस ऑन because I'm traveling a lot nowadays and I know Sagar personally. Okay. But contact us on Instagram. I will put you all on to dealers who are all our dealers are very good. The okay. dealer network is nowadays they are very self-sufficient. There's ProBike, Elson Motors. Then we have in Lucknow is Dynamics. क्या बात है? So there are a lot of dealers now. Just contact us on Instagram. Somebody will put you on to the closest dealer. South India and thing we will send the product to all and it's very easy to install. Venom Instagram, Venom Facebook, Venom website, all three are क्या बात है? तो तीन जगह से आप कांटेक्ट कर सकते हो जुबेर सर को, जो भी चीज आपको चाहिए। वेबसाइट के ऊपर तो पूरा डिटेल है विद फोटोज एंड एवरीथिंग। इन केस वांट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पार्ट्स, यू कैन कांटेक्ट जुबेर सर ऑन Instagram। ही विल डायरेक्टली रीच आउट टू यू, जैसे उन्होंने बता दिया। अदर देन मुंबई महाराष्ट्र उनकी जो डीलर्स है वो ऑल ओवर इंडिया भी है। सो कुछ तकलीफ नहीं आपको। आल्सो वी हैव डीलर्स इन लखनऊ एंड जयपुर। सो आप डायरेक्टली जाके डीलर से भी सामान ले सकते हो ऑल ओवर इंडिया, और धीरे धीरे और एक्सपांस होने वाला है। दिस इज नॉट ओनली फॉर KTM 390। अगर मेरे पास 390 एडवेंचर, इसलिए मैं ये चीज ये सब पार्ट दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बता दिया ऑल अदर बाइक्स एडवेंचर तो सब पकड़ लीजिए, ट्राइम्स की बाइक पकड़ लीजिए, कावासाकी की बाइक पकड़ लीजिए, निंजा, सब कुछ, BMW, हर एक बाइक का पार्ट्स आपको मिल जाएगा। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग, विनोम की वेबसाइट है वहाँ पे ईच एंड एवरी प्रोडक्ट की डिटेल दी गई, वहाँ पे जाके आप पूरा चेकआउट कर सकते हो। इन केस आपकी वो बाइक है सो आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज डायरेक्टली गो एंड परचेज दिस प्रोडक्ट। जैसे मैंने बता दिया अपना टॉप रैक बाकी है तो उसका पार्ट टू वीडियो में आएगा विद इन वन वीक ऑफ पीरियड। जिसे सुबह सर के साथ पार्ट आ जाता है हम लोग लगा देंगे और वापस आपको मिलेंगे। तब तक उस वन वीक ऑफ पीरियड में इस सब चीज का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मुझको लग रहा है, बिकॉज दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम आई एम इंस्टॉलिंग ऑल दिस थिंग्स। सो बाइक हाईवे पे कैसे परफॉर्म कर दी मैं, तो नेक्स्ट दो दिन में एक राइड करने वाला हूँ, ब्रेकफास्ट राइड अराउंड 400 and 300 किलोमीटर। तो सबसे मुझको आइडिया हो जाएगा, उसके बाद अपना हफ्ता भर हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं तो ट्रैफिक में से कैसे फील होता है विद ऑल दिस थिंग्स वो भी शेयर करूंगा। उसके लिए नेक्स्ट पार्ट टू आपको देखना पड़ेगा। तो इट्स 6-8 हो गए, सो इट्स टाइम टू क्लोज दिस वीडियो। जैसे मैं बता दिया इनकेस कुछ चीज आई रहेगी, ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर जुबेर सर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, ऑलवेज योर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ, सी या।